हमारे फास्ट लाइफ में हमारे खाने की आदतें भी फास्ट हो गई है। अब तो चावल और रोटी भी सुपरमार्केट में रेडी टू मेक पैकेजिंग में अवेलेबल हो गए हैं। लेकिन ये फास्ट लाइफ में हम बिल्कुल भी माइंडफुल नहीं रहे कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों। अब आप ही याद करिए कि पिछली बार कब आपने किसी इंग्रेडिएंट को पढ़ के उस प्रोडक्ट को खरीदा था। अगर नहीं तो ये कुछ चीजें हैं जिससे आप इंग्रेडिएंट्स पे दिए हुए जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। पैकेट पे इंग्रेडिएंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर में डाले जाते हैं, यानी कि सबसे अधिक मात्रा वाले इंग्रेडिएंट्स से लेकर सबसे कम। जैसे कि ये हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिए, इसमें शुगर सबसे पहले लिखा गया है, मतलब कि इसमें चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा है। उसी तरह से एडिबल ऑयल उसका दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है, और आगे तो आप समझ ही गए होंगे। और ऐसी चीज़ें हम हमारे बच्चों को बड़े ही शौक से खिलाते हैं। बहुत से प्रोडक्ट्स पैकेट के फ्रंट में जो क्लेम करते हैं, असल में वो वैसा होता नहीं है। जैसे कि ये आटा या होल व्हीट ब्रेड ले लीजिए, बोल्ड में आटा पढ़ के किसी को भी लगेगा कि इस ब्रेड में सिर्फ आटा है, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो इसमें केवल एक तिहाई आटा यूज़ किया है। या फिर ये टमेटो केचप के बॉटल को ले लीजिए, जिसके फ्रंट में रिच टमेटो केचप लिखा हुआ है, लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स में पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ एक चौथाई टमाटर का यूज़ किया गया है। और ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्लेम्स कई बार सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जिन्हें कोई मेडिकल कंडीशन है। जैसे कि ये बिस्किट के पैकेट को ले लीजिए, इसके फ्रंट में ये क्लेम किया गया है कि इसमें 0% एडेड शुगर है, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे तो उसमें माल्टिटॉल है, जो कि एक टाइप का शुगर है, और ज़्यादा कंज्यूम करने से वो शुगर जितना ही नुकसान कर सकता है। तो फिर ये डायबिटिक फ्रेंडली कैसे हुआ? कई बार फूड मार्केटर्स हमें गुमराह करने के लिए नेचुरल फ्लेवरिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब नेचुरल फ्लेवरिंग के बारे में हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो उसमें असली स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ये बात इतनी सीधी नहीं है। ये ध्यान में रखिए कि नेचुरल फ्लेवर्स मीट और डेयरी से भी आते हैं, केवल प्लांट से नहीं। और कई बार आप नेचुरल शब्द से शुरू होने वाले इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे, जिनका मतलब ये है कि उन्हें लैब में सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए हम फूड कंपनीज को दोष ठहराएंगे, लेकिन अगर हम उनके नज़रिए से देखें तो वो भी गलत नहीं है। उन्हें भी तो मुनाफा कमाना है और दूसरे ब्रांड्स के साथ बराबरी भी करनी है, और अगर उन पर कोई सवाल नहीं उठाएगा तो वो भी क्यों सोचे। लेकिन कम से कम हम ग्राहक तो एक दूसरे को सही इन्फॉर्मेशन देकर जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सोचने जाए तो हमारी सेहत से ज़्यादा ज़रूरी है भी क्या।